Good morning, students. Class 4th, subject computer, lesson 7, multimedia. Students, हम multimedia का use बताएंगे. भी multimedia में आप क्या करते हैं? इस chapter में आप क्या करते हैं? Multimedia देखिए. Uses of multimedia. A computer is used to play games. Computer का use किस लिए करते हैं हम? Games play करने के लिए. Solve भी sum, अपने sums को भी solve कर लेते हैं. मूवीज भी देख सकते हैं और सॉन्ग्स भी मतलब गाने भी सुन सकते हैं और काफ़ी सारे वर्क हम कर सकते हैं. मल्टीमीडिया क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है जिस जो कंबाइन है, जिसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक है, साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, एनिमेशंस एंड वीडियो क्लिप्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं. सॉन्ग सुनना, मूवीज़ देखना, ये मल्टीमीडिया होता है. मतलब सारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर जनरली यूज्ड फॉर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, गेम्स खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, वॉचिंग मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, गिविंग ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को, क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, मूवीज़ एंड गेम्स के लिए. मतलब मल्टीमीडिया का है, ऑल पर्पज़ के लिए कह सकते हैं हम. एजुकेशनल पर्पज़ भी हो गया, गेम प्लेज प्लेइंग गेम्स भी हो गया, म्यूज़िक सुनना भी हो गया, मूवीज़ देखना भी हो गई, सभी चीज़ें हमारे मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे अदर देन द बेसिक हार्डवेयर डिवाइसेज होती हैं, अ मल्टीमीडिया सिस्टम नीड्स द फॉलोइंग. किस चीज़ की नीड्स होती है? सीडीज और डीवीडी ड्राइव की. मल्टीमीडिया के अंदर अ सीडी और डीवीडी ड्राइव इज नीडेड टू इंसर्ट द सीडी और डीवीडी, ठीक है, इंसर्ट होती है. स्पीकर्स क्या होता है? स्पीकर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स. आवाज़, स्पीकर जो होती है साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, आवाज़ के लिए, जिससे स्पीकर से क्या होता है, हमारी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसिंग साउंड्स के लिए. आगे नेक्स्ट देखिए, माइक्रोफोन इज़ नीडेड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड. माइक्रोफोन का हम क्या करते हैं? साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. हेडफोन का यूज़ किस लिए करते हैं? हेडफोन आर यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड्स. उस साउंड्स को सुनने के लिए हेडफोन का यूज़ करते हैं. जैसे कि देखिए, सीडी और डीवीडी ये होती है, सीडी ये होती है, ऐसे ही डीवीडी, जिस तरह स्पीकर्स ये होते हैं, ये जो होते हैं ना कंप्यूटर के साथ, माइक्रोफोन ये होता है हमारा, जो ऐसे ये लीड बनी हुई है. आगे देखो, हेडफोन हमारा जो हम हेड पे लगाते हैं, ये हेडफोन हो गया. आगे देखिए, प्लेइंग अ मूवी और अ सॉन्ग कैसे देखते हैं हम? मूवी देखनी और सॉन्ग सुनना हो तो क्या करेंगे? विंडो मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्ले एन ऑडियो और वीडियो सीडी और डीवीडी ऑन ए कंप्यूटर. विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर हम सॉफ्टवेयर के अंदर इनको, सीडी और डीवीडी को यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर. वी कैन रन अ सीडी और अ प्ले अ फाइल टू सेव इन ओवर हार्ड डिस्क में हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है क्लिक द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्लिक द स्टार्ट बटन. फिर हम क्या आएंगे? ऑल प्रोग्राम्स आ जाएंगे हमारे, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. हमारे ऑल प्रोग्राम्स आ गए. फिर हम क्लिक करेंगे विंडो मीडिया प्लेयर, जो ये हमारा है, इसको विंडो मीडिया प्लेयर को हम क्लिक करेंगे. द विंडो मीडिया प्लेयर स्क्रीन ओपन, ये ऑफ स्क्रीन जो है हमारी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी. फिर हम क्या करेंगे? अपना स्टार्ट करेंगे. आगे प्लेइंग गेम्स देखिए, मल्टीमीडिया गेम्स में हम अगर हमें गेम खेलना हो तो हमें क्या करेंगे? गेम्स आर पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सबसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. विंडो आल्सो प्रोवाइड सम इंटरेस्टिंग गेम होते हैं, जैसे कि सॉलिटेयर, चेस, माइनस्वीपर एंड पर्बल प्लेस, ये सभी क्या होते हैं हमारे इसके अंदर प्लेइंग गेम्स होते हैं. गेम्स खेलने के लिए हमें क्या होगा? क्लिक स्टार्ट बटन. वही हमें स्टार्ट बटन हमारे ऑल प्रोग्राम्स में आ जाएंगे इसके अंदर. फिर हमने क्लिक करेंगे गेम्स के ऊपर, चूज अ गेम, जो आपको गेम पसंद है उसे चूज कर लेंगे आप, ठीक है ना. ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट. अब इसका है मेमोराइज है कि हमारा क्या, हमने जो लेसन का रीकैप करेंगे हम, जो हमने लेसन में रीड किया, मल्टीमीडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. मल्टीमीडिया कलेक्शन है टेक्स्ट का, ग्राफिक, साउंड का, एनिमेशंस का एंड वीडियो क्लिप्स का. सीडी और डीवीडी ड्राइव, स्पीकर्स होता है, मॉनिटर होता है, माइक्रोफोन होता है, हेडफोन होता है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर.
मल्टीमीडिया प्रोग्राम आर इंटरैक्टिव होता है, विंडो मीडिया प्लेयर इज अ सॉफ्टवेयर होता है यूज टू प्ले ऑडियो वीडियो एंड सीडी एंड डीवीडी ऑन अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स ये हमारा लेसन 17 कंप्लीट होता है, कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।